देख रहे हैं दस्तक टीवी और मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 14 अप्रैल को मुरादाबाद में भाजपा प्रत्याशी सर्वेश कुमार सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा थाना मजोला क्षेत्र के बुद्धि विहार इलाके में आयोजित की जा रही है। पीएम की जनसभा के मद्देनजर मुरादाबाद प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पीएम मोदी की रैली की जनसभा के सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ता जनसभा स्थल पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पीएम मोदी की जनसभा में कोई अनहोनी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जनसभा के लिए पंडाल तैयार किए जा रहे हैं और बैठने के लिए कुर्सियां आदि सामान जनसभा स्थल पर पहुँच चुका है। भाजपा कार्यकर्ताओं में पीएम की रैली के लिए जोश देखने को मिल रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं का दावा है कि मुरादाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में 2 लाख से अधिक लोग आएंगे और इसके लिए उन्होंने पूरा इंतजाम कर रखा है। उनका मानना है कि हर लोकसभा सीट से 25-25 हज़ार लोग जनसभा में पहुंचेंगे। 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित किया था। तब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इस बार 14 अप्रैल की मोदी की जनसभा क्या पिछली बार की तरह करिश्मा दिखा पाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुरादाबाद में जनसभा के किस नब्ज पर हाथ रखकर वोट देने की अपील करते हैं, ये तो 23 मई को ही पता चल पाएगा। मुरादाबाद से दस्तक टीवी के लिए मिर्जा गालिब की रिपोर्ट। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दस्तक टीवी।